हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? गुड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, देखिए क्या बड़े एक ही मात्रा वाले शब्द। इससे पहले वाली क्लास में हमने आ छोटी ई की कंप्लीट कर चुके थे वर्ड्स और कुछ वर्कशीट्स। तो आज मैं आपके लिए बड़े एक ही मात्रा वाले शब्द लेकर आई हूँ और कुछ इसमें वर्कशीट है जो कि आप बताओगे और मैं उन्हें सॉल्व करूंगी, यानी कि यहाँ लिखूंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, बस आपको करना ये है, जो मैं यहाँ पर वर्ड्स रीड करूंगी आपको भी वहाँ रीड करने हैं, क्योंकि आप रीड नहीं करोगे तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा कि मैं ही यहाँ रीड कर दूँ। तो आपको अगर सीखना है अच्छे से तो आप भी साथ ही साथ इसे रीड करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, शुरू करें। बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द, आपको पता होना चाहिए ना कि आज की क्लास में क्या कर रहे हैं, तो बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। आपको मैं बता दूं, इसमें जैसे आपसे मैंने बताया था कि आपका जो छोटा छोटी ई होती है उसमें आपका स्मॉल है जो है होता है वो होती है मात्रा, इस तरीके से। इसमें सेम आपको उल्टा बना देगा इस तरीके से, ठीक है? तो ये आपकी बड़ी ई की हो जाएगी मात्रा। किसकी? बड़ी ई। आप सभी में देख रहे हो जो रेड कलर से आपको शो किया गया है, ठीक है, हाईलाइट किया गया है कि आपको पता हो कि आपकी बड़ी ई की मात्रा ये है। तो शुरू करते हैं। मैं ई है आ मीठा, श ई श आ शीशा, ख ई र आ खीरा, प ई ल आ पीला, ह ई र आ हीरा, द ई य आ दिया। मैं ई ने आ मीना, श ई ले आ शीला, ट ई ले आ टीला, ग ई ले आ गीला। मैं ई रे आ मीरा, स ई त आ सीता, च आ च ई चाची। मैं आ ले ई माली, त आ द ई दादी, पे आ ने ई पानी, ने आ रे ई नारी, से आ डे ई साड़ी, मैं आ मैं ई मामी, ने आ ने ई नानी, ने आ ये तो गया नानी, ये था दानी, सॉरी बाय मिस्टेक रीड हो गया। दे आ ने ई दानी, ने आ ने ई नानी, रे आ ने ई रानी, ने आ रे ई भारी, दे ई खे आ तीखा। तो हमने क्या किए, बिल्कुल अक्षरों को अलग अलग करके ही अच्छे से ये हमने रीड किए। क्या किया प्यारे बच्चों? ई की मात्रा वाले शब्द। अब एक बार और हम इन्हें रीड करेंगे, तो आप मेरे साथ से रीड जरूर करना। पहले आप एक बार देख लीजिए, ठीक है? आप इनमें से कुछ शब्द लिखना चाह रहे हो तो आप वो लिख सकते हो प्यारे बच्चों, क्योंकि लिखना भी जरूरी है, ठीक है, ताकि आपको पता हो।
आपने देख लिया। मीठा मीठा एक शब्द को हम यहां पर दो बार दोहराएंगे, ठीक है, यानी कि हम वन वर्ड्स को यहां पर टू टाइम्स रीड करेंगे। मीठा मीठा, शीशा शीशा, खीरा खीरा, पीला पीला, हीरा हीरा, दिया दिया, मीना मीना, शीला शीला, टीला टीला, गीला गीला, मीरा मीरा, सीता सीता, चाची चाची, माली माली, दादी दादी, पानी पानी, नारी नारी, साड़ी साड़ी, मामी मामी, दानी दानी, नानी नानी, रानी रानी, भारी भारी, तीखा तीखा। तो आप देख सकते हो पहले हमने अक्षरों को अलग करके तब रीड किया और अभी हमने दो बार वैसे रीड कर लिया है। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये वर्ड, कुछ इसमें से कुछ परसेंट, ये नहीं कह रही मैं कि सारे आपको लर्न हो गए, कुछ परसेंट तो आपको जरूर ही इसमें से याद हो गए होंगे। तो आगे हम शुरू करते हैं। अब देखिए क्या बड़ी की मात्रा वाले शब्द है, ठीक है, एक तरफ आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं। तो ये शब्द, ये चित्र है, ये शब्द है, जो यहाँ चित्र दिखाया गया उसी का नाम यहाँ पर लिखा गया। जैसे कि ये क्या है, कीड़ा, क ई ड आ, कीड़ा, क मै ई ज, कमीज, ख ई र आ, खीरा, ड आ ल ई, डाली, थ आ ल ई, थाली, न द ई, नदी। तो यहाँ पर कुछ शब्द है, इनमें से हमने सिर्फ ये खीरा पर पहले पढ़ा है, अभी जो रीड है, कीड़ा कमीज खीरा डाली थाली नदी। आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देख पा रहे हैं अच्छे से, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना प्यारे बच्चों? अगर क्लियर नहीं दिखाई दे तो आप दबा देना चाहिए। चलो अब ये क्या है, अक्षरों में टुकड़ों में यानी कि बटे हुए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन अक्षरों को इमारतों को जोड़कर यहाँ शब्द रेडी करना है, तैयार करना है यानी कि। तो आप देख सकते हो यहाँ ये प्लस की साइन है यानी ऐड की, आपको पता ही है। तो ये जमा कर करके हमें यहाँ लिखने, कैसे लिखने आप देख सकते हो। ये क्या लिखा है, कै। तो हमें क्या लिखेंगे सबसे पहले, कै, ठीक है। यहां क्या लिखेंगे, क लिख दिया। उसके बाद में क्या है, ये आपकी बड़े की मात्रा, तो हम बड़े की मात्रा को ये लगा देंगे यहां पर इस तरीके से, और ये क्या है, ले। क्या बन गए ये, कै ई ले, की। अब फिर से लिखते हैं हम, ये क्या, क आ ले, ये क्या, ई की मात्रा,
ये क्या बन गया? काली। थ, ई, ये क्या बन रहा है? खीर। अब ये घ, न, ई की मात्र। घनी, घनी, चे, ई, ज, क्या बन गया ये? चीज। अब देखो च, ई, ल, ये क्या बन गया? चील। वो चीज है ये चील। मैं अक्षरों को जोड़कर क्या रेडी किया है? यहाँ पर शब्द बनाए हैं, ठीक है? जो टुकड़ों में बटे हुए थे उन्हें जोड़कर हमने इस तरफ लिख दिया है। कभी आप लिखते टाइम ये जो प्लस के साइन है ये भी साथ में लिख लीजिए, जैसे कि ऐसे के आ, ले, ये इस तरीके से ही नहीं लिखना हमको, ठीक है? ये हमें जोड़कर भी लिखना है, जैसे के इस जमा को हटा दो, फिर आ, फिर क्या ले, फिर क्या है ई, काली, ठीक है? इस तरीके से तो की, काली, की, गर्मी, चीज, ची, मी। फिर से वही है, ये थोड़े ज्यादा बड़े हैं, वो छोटे हैं, ठीक है? अभी देखो ये क्या लिखा है, द, तो हम क्या लिखते हैं? द, ही, पे, के, क्या बन गया? दीपक। ग, र, ई, व, ये क्या बन गया? गरीब। नेक्स्ट डे, ई की मात्रा, ज, ल, डीजल, जे, ई की मात्रा आपकी, वे, ने, ये क्या शब्द बन गया? अभी रीड कर लेना, बताइए। जीवन, क्या शब्द है ये? जीवन। अब दे, ई, शो, ई, ते, दीक्षित। आप देख करके ये बड़ी की मात्रा का प्रयोग है, ये छोटी की का, दीक्षित, दे, ई, वे, आ, रे, दीवार। अब देखो ये ते, ऊ की मात्रा ये रही, ले, से, और फिर आपकी बड़ी, क्या बन गया? तुलसी। तो आपने यहां जो शब्द बनाए हैं जैसे कि ये देखो क्या है अक्षरों की मदद से, दीपक, ठीक है, गरी, डीजल, जीवन, दीक्षित, दीवार, तुलसी, ठीक है? तो ये आपने नए वर्ड्स यहां बनाए हैं जो पहले आपने रीड किए थे उसमें से नए। चित्र देखकर सही अक्षर चुनकर शब्दों को पूरा कीजिए। अब कहा है सही शब्दों को पूरा कीजिए। अब देखिए किस तरीके से करना, मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से देखिए ना। आप देख रहे हो ना, जैसे ये फर्स्ट इमेज किस चीज के आपको पता है, आपने पहचान लिया, लेकिन हाफ वर्ड उसका लिखा हुआ है यहाँ बॉक्स में, हमें उसका जो हाफ बचा हुआ वर्ड है वो हमें यहाँ लिखना है, शब्द जो अक्षर है वो लिखना है जिसे कंप्लीट होते हैं। वो अक्षर कहाँ है? ये तो ये ना, ये 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 ये, देखिए पांच यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, 1 2 3 4।
और पांच ऊपर वो हाफ वर्ड की आपकी दी गई है, तो हम कंप्लीट करेंगे। देखिए किस तरीके से, ये है ते ई ते ले ई इटली, तो ले ई ये हमने कर लिया नंबर वन पर। अब सेकंड पिक्चर आपने पहचान ली किस चीज की, हाथी, तो है आ ये ना है ई हाथी। उसके बाद आपने ये थर्ड पहचान ली किस चीज की, ये है दीपक, तो द ई पैक दीपक। फोर्थ ये इडली, ठीक है ई ड ल ई इडली। फिफ्थ नंबर वन लास्ट टाइम बचा क्या, बे आ ले पे ई बाल्टी। आपने चित्र पहचान कर भी लिख सकते हो, फिल कर सकते हो। तो फर्स्ट नंबर पर आपका जो शब्द बना वो तितली, सेकंड पर हाथी, थर्ड पर दीपक, फोर्थ पर इडली, फिफ्थ पर बाल्टी। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये वाला कर दिया, ठीक है सही मिलान कीजिए। अब इस तरफ चित्र दे दीजिए, इस तरफ आपको शब्द दे दीजिए, ओके प्यारे बच्चों। तो अभी मिलान करना है, आप देखिए फर्स्ट नंबर पर ये क्या कली है। जब कोई फूल खिलने वाला होता है उससे पहले वो जब मतलब रहता है कली के अंदर ऐसे इस तरीके से, ये है कली। अब जब वो खिलेगा तभी तो फूल होगा ना, तो अब वो इस तरीके से है तो इसका मतलब वो कली है। तो कली कहाँ लिखी हुई है, कैली कली, तो कली के साथ क्या करेंगे, इसको मिला देंगे इस प्रकार से, ओके। अब ये क्या है सेकंड नंबर पर बताइए क्या है, ये है चाबी, ठीक है। जैसे हम लोग बंद करते हैं ना वो वाली चाबी ताला होता है वो, तो चे आ बे ई चाबी, तो इस प्रकार से मिला देंगे हम। नेक्स्ट ये क्या, मकड़ी, घरों में देखे होंगे ना जाली में लगी रहती है, तो ये मकड़ी, तो क्या बोलेंगे इसे, रीड करते हैं, मैं के द ई मकड़ी, तो मकड़ी से इसको मिला देंगे। अब ये आप देख रहे क्या है, बकरी यानी गोट, ब क र ई बकरी, तो बकरी के साथ मिलाना है ये। नेक्स्ट क्या देख रहे हो आप, सन है, कितना धूप है, मतलब कि उसकी रोशनी कितनी तेज है, प्रकाश जो होता है, तो ये क्या गर्मी, गे रे मैं ई गर्मी, गर्मी इस प्रकार की लिखी जाती है, ठीक है, तो गर्मी, तो हम गर्मी के साथ से मिला दे। तो यहाँ पर बकरी, गर्मी, कली, चाबी, मकड़ी, नए शब्द और सीखने को मिले हैं। जितना भी इसमें हमने अभी आपको कराया सब आपका बड़ा जो सॉरी बड़ी ई की मात्रा है उसके ही वर्ड से, चाहे आपको वो अक्षर जोड़ कर किए हो, चाहे इस तरीके से फिलअप के थ्रू की ओर से मिला के थ्रू की, ठीक है। तो इसमें से ये ही मैं आशा करती हूँ कि जितना भी हमने किया अभी उसमें से आपको कुछ तो लर्न हो, तो अच्छे से नोटबुक में आपने लिख लिया है तो आप उसे एक बार जरूर दोहराए ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, और लिख कर जरूर देखिए। तब तक लिखोगे नहीं तो प्रैक्टिस क्या हो जाएगी, बोलना तो जैसे आ गया आपको इडली बकरी हाथी, लेकिन वो लिखना नहीं आया ना, तो वो लिख कर भी देखना जरूरी है। लिख कर देखोगे तो वो परमानेंट के लिए स्टोर हो जाता है माइंड में, ठीक है। तो कुछ भी चीज आप जब लर्न कर रहे हो उसको एक बार जरूर लिख ले, क्योंकि ओरल में हम बोल देते लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो नंबर कट हो सकते हैं, तो इसलिए लिख कर जरूर देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है। और जब आप पढ़ रहे हो तो आराम से शांति से जरूर पढ़े, ठीक है, ओके प्यारे बच्चों। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और चीजें सीखने के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों, बाय।